5 में हम ये समझते हैं कि हम हर कदम पे और हर कोशिश ये करेंगे कि रिक्रूटमेंट रुके और साइकिल ऑफ वायलेंस जो है टूटे। इसमें किसी को दो राय नहीं है कि रिक्रूटमेंट होती है, फिर एक्शन होता है, फिर उसकी एक फॉलआउट होती है और एक फिर उस फॉलआउट से फिर एक साइक्लिकल वायलेंस की एक सिस्टम जो है वो जारी रहता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं तो इसको देखता हूँ इस नज़रिए से कि पिछले साल 113 जाने गई थी बेशक टेररिस्ट्स की, और इसमें से हमने इस बार रिक्रूटमेंट रोक के उतनी जाने बचाई हैं जितने जाने, चाहे वो टेररिस्ट की क्यों ना हो, अपने लड़कों की क्यों ना हो, वो रुके। सिविलियन किलिंग्स में पिछले साल 31 सिविलियन की डेथ हुई थी, इस साल घटके वो 14 है टेररिस्ट रिलेटेड किलिंग्स में, इसमें भी कमी है। पिछले साल टेरर रिलेटेड क्राइम इंसिडेंट्स जो है वो 125 थी और इस साल घटके 46 है, परसेंटेज के हिसाब से ये 63% की डिक्लाइन है। एक स्टैटिस्टिक्स ये है कि एक पीछे देखा जाए तो हर 3 दिन में एक टेरर इंसिडेंट हुआ करता था, अब अभी 9 दिन और 10 दिन में टेरर इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी हो रहा है, तो उसी तरीके से इंसिडेंट्स कम हुए हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हम मानते हैं कि हमारी पुलिसिंग और सिक्योरिटी मेजर्स में है वो ये है, हड़ताल कॉल। हम सब लोगों को मालूम है 2021-2022 इसमें लगातार हड़ताल कॉल, पब्लिक डिसऑर्डर, स्ट्रीट वायलेंस में एक डेफिनेट ट्रेंड है कम होने की, और पिछले साल ऑलरेडी कम था, इस साल और ज़्यादा कम हो गया है। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल कॉल की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल कॉल का मतलब ये हो गया कि कॉल होती है, सेपरेटिस्ट आउटफिट्स या टेररिस्ट आउटफिट्स कॉल देते हैं बंद करने के लिए और उसकी रिस्पॉन्स तो उस हिसाब से ज़ीरो है, और जो हड़ताल कलें हुई हैं वो सब सरहद के पार से होती है और सोशल मीडिया पर इसको फैलाया जाता है। इसके पीछे कोशिश होती है कि एक इंटिमिडेशन भी रहे, एक प्रोपागंडा भी रहे। और इसके असर नहीं है, इसमें पुलिसिंग के साथ साथ हम समझते हैं कि कॉमन सिटीज़न की रोल बहुत ज़्यादा रही है। एक हिसाब से हम इसको मानते हैं कि कॉमन सिटीज़न जो है इसको एंडोर्स किया है। सो बाय वे ऑफ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द कॉल्स एंड विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द साइड ऑफ द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, दिस इज़ इन फैक्ट ए साइलेंट एंडोर्समेंट ऑफ the silent common man who has voted in favor of peace and order. Law and order को maintain करने के सिलसिले में civilian casualty ये second straight year है जहाँ पे ये zero है, एक भी शख्स का जान नहीं गई है law and order को maintain करते हुए, अचीवमेंट है।
हड़ताल काल के साथ साथ स्टोन पेल्टिंग की जो इंसिडेंट्स है उसमें भी सिग्निफिकेंट कमी आई है। ओवरऑल स्टोन पेल्टिंग की इंसिडेंट जो है 50-60% की कमी है, और जैसे मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग्स, स्ट्रे स्टोन पेल्टिंग ऑफ मिस्चिवियस एलिमेंट्स, 4 या 5 लोग मोहल्ले से निकल के 2 पत्थर मारते हैं, उसको हम फिर भी गिनती करते हैं। उसको गिनती करने के बाद हम कहते हैं कि फिर भी जो है वो 60% की कमी है। ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग जो हम सब लोगों को पता है एक योजनाबद्ध तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी के तहत डिसरप्शन करने के लिए एक मोबिलाइजेशन के तहत जो होता है वो भी 0 है। टेररिज्म के खिलाफ फाइट करते हुए या लॉ एंड ऑर्डर को जूझते हुए अपने पुलिस वालों की जो जाने या सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल की जो लाइव्स है वो जो हम खोते थे वो भी उसमें भी काफ़ी कमी आई है। इस साल लास्ट ईयर 14 लोगों की मार्टरडम हुई थी, इस साल हमने 4 पुलिस वालों की मार्टरडम को फेस कर रहे हैं या फेस किए हैं, जिसमें एक DSP साहब शामिल है, एक इंस्पेक्टर साहब हैं, 2 हेड कांस्टेबल हैं। कहने का मतलब है इसमें भी 71% की कमी है, पर जैसे मैंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स समटाइम्स डज नॉट रियली अंडरलाइन द रियल पिक्चर इन इट्स ट्रू नुआंसेस, बट इट इज सम रफ मेजर एज टू शो एज टू हाउ थिंग्स पर्सनल की मार्टरडम हो, पर एक जन भी कमी लाने की कोशिश करेंगे, जाने उधर हो जाने इधर हो। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हर लाइफ हर लिंब इज प्रीशियस टू अस। आर एफर्ट एज ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वुड बी टू सी दैट नॉट इवन 1 लाइफ इज लॉस्ट। इन दिस कनेक्शन दिस डिक्लाइन इज समथिंग व्हिच वी वुड लाइक टू इम्प्रूव अपॉन इन 2024। ओवरऑल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में इम्प्रूवमेंट होने के नाते जम्मू कश्मीर में हमने बड़े प्रेस्टिजियस इवेंट्स पिछले साल कंडक्ट किए हैं, जिसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल सर्विसेज जो श्रीनगर में हुई 3 दिन तक, कंट्री से, सुप्रीम कोर्ट से और ऑनरेबल हाई कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस और बहुत सीनियर जस्टिस साहिबान इसमें पार्टिसिपेट किए थे। हम लोगों को पता है कि G20 की मीट ओरिजिन नगर में सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था। श्री अमरनाथ यात्रा जिसमें 4.5 लाख पिलिग्रिम्स विजिट किए थे उसको भी सुचारू रूप से निभाया गया। 34 साल के बाद जो 8वीं मुहर्रम होता है दिन,
हमने ऑर्गेनाइज कराने में कामयाब हुए, जिसमें ब्रदर्स हैं, भाई हैं, उनके रिलीजियस इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज करने में सफल हुए। 40,000 के करीब लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, ये करीब 6-7 घंटे तक चला। मैं ये भी कहना चाहूँगा, पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने बड़े कार्यक्रम जैसे भारत जोड़ो यात्रा, वो भी J&K पुलिस ने बाकी CAPF के सहायता से, खासकर CRPF की सहायता से, और बाकी CF भी इसमें शामिल थे, उसको भी कंडक्ट किया विदाउट एनी ऑनटूवर्ड इंसिडेंट। इसके साथ साथ ये ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन में जो इम्प्रूवमेंट आई है, मैं तो स्टैटिस्टिक से इसको अंडरलाइन किया या हाईलाइट किया, पर एक्चुअली इसकी एहसास ग्राउंड पे कॉमन मैन को डेली लेवल पे अपना रोज़मर्रे की ज़िंदगी में, वो घर से निकलता है, कॉलेज जाता है, बिजनेस करता है, ऑफिस जाता है, दुकान खोलता है, उसमें उसको महसूस होता है। अब उसके पीछे जो काम है, जो पर्दे के पीछे कठिन काम है, उसके बारे में चंद शब्द मैं कहूँगा। ये कठिन काम इसलिए है कि हम हमेशा ये कहते आए हैं कि सोसाइटी की एक लार्जर सेक्शन को, एक बड़ा सेक्शन को, चंद भर लोगों के लिए, मुट्ठी भर लोगों के लिए हम उनको उनके हवाले नहीं कर सकते, उनकी ए कपल ऑफ क्रिमिनल एलिमेंट्स, बीट पार्ट ऑफ टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क्स, और बीट पार्ट ऑफ एनी अदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वी कैनॉट लीव द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी टू देयर व्हिम्स एंड फैंसीज, एंड इट इज इन दैट कनेक्शन द एक्शन अगेंस्ट सच एलिमेंट्स बिकम्स इनेविटेबल, एंड दैट इज द हार्ड पार्ट ऑफ द वर्क। उसमें हमने